नगरपालिका राघोगढ़ में 12 बजे तक 40 फीसदी मतदान संपन्न हो गया है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। मतदाताओं में मतदान करने को लेकर काफी उत्साह है। मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइन लगी है। पुलिस और प्रशासन निरंतर सक्रिय बना हुआ है। मतदान के दौरान चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने वार्ड क्रमांक 6 में अपना मत का उपयोग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता सब समझ रही है, यहां पर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है। मतदाताओं का कांग्रेस के प्रति रुझान है। हम 24 की 24 वार्ड में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। नगर पालिका में आप वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्षद पद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो पिछले बार भी आप पार्षद रहे थे, तो क्या आपने क्या विकास कैसे कराए थे और आगे की क्या प्लानिंग आपकी है? हमने जनता के कार्य किए, चाहे पीएम आवास हो, चाहे वाली सड़क हो, चाहे राशन कार्ड की पर्चियाँ हो, बच्चा पेंशन हो, और जो भी अनेक कार्य हमने किए जनता की, जनता हमसे और जनता हमको चाहती है और जनता ने हमको कहा। लेकिन आप पूर्व में ही पार्षद थे, लेकिन वार्ड में तो फिर भी गंदगी रही है, आपके कार्यकाल में ही रही है वो, तो वार्ड एक में क्या है? वार्ड एक क्या है कि एक तो क्या कि अजन वार्ड है, दूसरा क्या पहाड़िया इलाका है, उसमें क्या है कि कोई इधर बस गया, कोई इधर बस गया, इसलिए थोड़ा नहीं। सीसी सड़क होने के बाद भी नालियों की सफाई नहीं होती? नहीं, सफाई होती है, कौन गिराने का? मैंने खुद ने देखा है ना, होती है। अभी क्या है कि नाला है, उसकी भी सफाई नहीं हुई आपके कार्यकाल में। क्या है कि अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है। आगे क्या योजना आपकी रहेगी बाढ़ के लिए? आगे योजना ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम हो, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे वो नाली सड़कें हो, जो भी काम है हम करें। जैसे किस कारण से वोट दे रही है, क्या आपकी, आप अपने पार्षद से क्या अपेक्षा करती हैं? अपने पार्षद से यही अपनी लड़ाई है ना, आगे बढ़ो, आगे काम बढ़ाओ, आगे अपनी उन्नति बढ़ाओ, क्यों इस नगर में रह रहे हैं। पालिका के चुनाव हो रहे हैं रावगढ़ में और आप युवा मतदाता हैं, क्या सोचकर आप क्या पहली बार वोट डालने आए? हाँ सर, पहली बार वोट डालने आए। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बस इसलिए कि कुछ अच्छा हो देश में, तो उसके लिए अपन से कुछ सपोर्ट हो तो करना चाहते हैं। तो आप युवा होने के नाते देश में क्या परिवर्तन, नगर पालिका में क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं कि देश में उन्नति हो, बहुत से युवकों पे रोजगार है, उनको रोजगार मिले, बहुत सी सुविधाएं जो नहीं है वो मिलना चाहेंगे। आप भी बोलते राघोगढ़ राघोगढ़ में आज नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं और यहाँ किले का अपना वर्चस्व है, और ऐसे में भाजपा चुनाव मैदान में भी है 24 वार्डों में, तो क्या कितने पार्षद आपके बनेंगे? देखिए, राघोगढ़ का जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी भाजपा के बीच में है, किला और महल यहाँ से राजनीति नहीं चलती है और पार्टियों के बीच चुनाव। पहली बार 24 वार्डों में हमारी ये उम्मीद है कि हम पूरे 24 जीत जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा विकास का काम किया है और थोड़ा बहुत जो असंतोष था वो हमने काफ़ी हद तक पूरा कर दिया उसको, तो हमें उम्मीद है बहुत अच्छी पड़ी। अच्छा, अभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने यहाँ सवाल लिया और बोला है, कांग्रेसियों को चेतावनी दी है कि अभी समय है भाजपा में आ जाओ, नहीं तो 2024 में आपके घरों पर मामा का बुलडोजर चल जाएगा। ऐसा है, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनको इनकी जो पार्टी है वो गंभीरता से नहीं लेती है। सिंधिया जी ने भी गंभीरता से लेना कम कर दिया है और धीरे धीरे बंदी कर देंगे, क्योंकि भारी भ्रष्टाचार इनके विभाग में हुआ है और इनकी विश्वसनीयता पर लोग संदेह करते हैं। और ये बुलडोज़र की धमकी से रावगढ़ का एक मजदूर भी नहीं डरता है, ये रावगढ़ में आके इस तरह के बयान दिए, है ना? 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस की 2023 के चुनाव में कांग्रेस अच्छे बहुमत से जीतेगी सरकार बनेगी। जयवर्धन सिंह जी, आपकी राघोगढ़ में आज आपकी विधानसभा में नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तो यहाँ भाजपा भी चुनाव लड़ रही है काफ़ी दम खम से, तो ऐसे में कांग्रेस ही कैसे? भाजपा दम लगा ले तो लगाना है, लेकिन जो जनता रुटियाई की है, रावण की है, एक एक घर के व्यक्ति के खून में कांग्रेस है, और जो भी विकास कार्य अभी तक हुआ है रुटियाई में रावगढ़ में, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है, जबकि पिछले 8-9 साल से सांसद भाजपा के हैं, लेकिन उनके द्वारा एक भी काम नहीं हुआ हमारे शहर। आगे भी हमने रोड मैप दिया है कि अगर पुनः कांग्रेसी परिषद बनती है
तो हम किन किन कामों को करेंगे प्राथमिकता से। कांग्रेस का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हम सब समर्पित हैं रुठियाई के विकास के लिए, रावड़ के विकास के लिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मंच सार्वजनिक मंच से कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में आ जाए नहीं तो 2024 में मामा का बुलडोजर चलेगा कार्यकर्ता। ये उनकी बहुत हल्की सोच है, इतने बड़े पद पे हैं और इतनी हल्की बात कर रहे हैं। वैसे तो हमने भी यहाँ की राजनीति 50-60 साल हमारे परिवार ने, लेकिन हमने कभी किसी को धमकाया नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, सिर्फ भला करने का प्रयास किया है। और ये जो बयान मंत्री जी का है उससे दिखता है कि उनका क्या चरित्र है, क्या नकारात्मक सोच उनकी है। दया आती उन पर तो उनकी ऐसी हल्की नकारात्मक सोच है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रुठियाई का हर एक मतदाता ये बात जानता है कि सिर्फ और सिर्फ वो पार्टी जीत के आएगी जिसकी सोच सकारात्मक है, जिसकी सोच विकास की है, जिसकी सोच रावण की नहीं भगवान राम की है।